हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 3 सर्कल एंड आवर टॉपिक इज प्रॉब्लम सेट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या गिवन है। इन फिगर हमें एक फिगर गिवन है, सर्कल विथ सेंटर सी एंड डी। यहाँ टू सर्कल गिवन है और एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। छोटे सर्कल का सेंटर सी है और बड़े सर्कल का सेंटर डी है। टच इंटरनली एट पॉइंट ई, और दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली पॉइंट ई में टच कर रहे हैं। डी लाइज ऑन द इनर सर्कल, ये जो डी है ये इनर सर्कल है। डी हमारा लाइज ऑन इनर सर्कल है। कॉर्ड ई बी द आउटर सर्कल इंटरसेक्ट इनर सर्कल एट पॉइंट ए। तो देखिए ये जो कॉर्ड ई बी है ये इनर सर्कल को इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट ए में, और हमें प्रूव करना है सेगमेंट ई ए कॉन्गोरेंट टू सेगमेंट ए बी। ये जो ई ए है ये कॉन्गोरेंट टू सेगमेंट ए बी, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने ड्रॉ सेगमेंट ई डी। देखिए डैश डैश से हमने सेगमेंट ई डी एंड सेगमेंट डी ए ड्रॉ किया है। ई डैश सी डैश डी, इसका मतलब सी हमारा ई डी के बीच में है। ई डैश सी डैश डी बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, सेगमेंट ई डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये जो ई डी है ये स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है। देयरफॉर एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन इक्वेशन 1 हमने दिया और रीजन इसका लिखा एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। अब बड़े सर्कल में देखिए, फॉर लार्जर सर्कल डी ए सेगमेंट डी ए परपेंडिकुलर कॉर्ड ई बी फ्रॉम 1, ई ए इक्वल टू ए बी। रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, दोनों इक्वल है, इसका मतलब सेगमेंट ई ए कॉन्गोरेंट टू सेगमेंट ए बी। यही हमें प्रूव करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ओके, थैंक यू।